सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। होली के खूबसूरत रंगों की तरह आपको और आपके पूरे परिवार को सत्यम न्यूज परिवार की तरफ से रंगों और उमंगों भरी शुभकामनाएं। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैसी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर से। होलिका दहन के बाद भदोही जिले में आज उत्साह व उमंग के साथ होली मनाई जा रही है। होली के रंगों में काली नगरी भदोही जनपद सराबोर है। रविवार की रात महिलाओं ने भक्त प्रहलाद व होलिका की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। उसके बाद होलिका का विधि विधान के साथ दहन किया गया। होलिका दहन के साथ ही भक्त प्रहलाद के जयकारे से होलिका स्थल गूंज उठा। आज सोमवार को भदोही जिले भर में उत्साह व उमंग के साथ रंगों का पर्व होली मनाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिले भर में पुलिस मुस्तैद है। खुफिया विभाग भी नजर गड़ाए हुए है। भदोही जिले की फिजा में खूब अबीर रंग गुलाल उड़ रहे हैं। जंगल में रहने वाला बारा सिंघा गोपीगंज शहर में पहुंच गया, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। जंगल में रहने वाला बारा सिंघा गोपीगंज शहर में कैसे पहुंचा, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। रेस्क्यू करने पहुंची वन विभाग की टीम को भी चकमा देकर बारा सिंघा फरार हो गया। काफी तलाश के बावजूद भी वन विभाग की टीम को बारा सिंघा हाथ नहीं लग पाया। रविवार की सुबह नगर के संजय यादव के मकान में यह बारा सिंघा पहली बार दिखाई पड़ा। उसके बाद वहां से भागकर माधुरामपुर के गौतम बस्ती में पहुंच गया। थक हार कर गांव के फूलचंद चौधरी के मढ़े में बैठ गया। सूचना पर औराई वन विभाग से बीट इंचार्ज रामेश्वर नाथ शुक्ला, वन कर्मी मनीष कुमार, प्रदीप कुमार, हरि प्रसाद व उमेश कुमार रेस्क्यू के लिए पहुंचे थे, जहां से बारा सिंघा वन विभाग की टीम को चकमा देकर फरार हो गया। गोपीगंज के पूरे टीका गांव में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक युवती ने खूंटी व दुपट्टे के सहारे मौत को गले लगाया है। मंजर देख परिजन भी हैरान रह गए। पूरे टीका निवासी हप्पू बिंद की 21 वर्षीय कुमारी साधना बिंद बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा थी, जो कमरे के दीवार में खूंटी व दुपट्टे के सहारे इस हैरान भरी घटना को अंजाम दिया है। पिता हप्पू बिंद मढ़े में कालीन की बुनाई कर रहे थे और युवती की मां दूसरे कमरे में मौजूद थी। किसी काम से बेटी के कमरे में पहुंची तो नजारा देख उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। उधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। औराई थाना इलाके के डुडाव गांव के गौड़ बस्ती में सजी होलिका को समय व दहन से पहले कुछ लोगों ने फूंक दी। डुडाव के दिलीप कुमार गौड़, कमलेश कुमार, अंकित कुमार गौड़, भोला गौड़, विशाल गौड़ ने बताया कि गांव के बस्ती में होलिका सजाई गई थी। रविवार की सुबह लगभग 7:30 बजे अचानक होलिका जलने लगी। गौड़ बस्ती के लोगों ने बताया कि किसी शरारती तत्व ने बस्ती में सजी होलिका को आग के हवाले कर दिया है। मकान में ताला बंद कर कोलकाता रह रहे एक परिवार के मकान को चोरों ने खंगाल डाला। 6 कमरों का ताला तोड़कर चोरों ने सामान को तहस नहस कर दिया है। मामला कोयरौना थाना इलाके के इनार गांव डंकापुर गांव का है। राममणि राय, हीरामणि राय, सुरमणि राय का गांव में मकान है। मकान में ताला बंद कर पूरा परिवार कोलकाता में रहता है। होली का पर्व मनाने राममणि राय घर पहुंचे थे। बाहर का गेट खोला तो अंदर 6 कमरों का ताला टूटा हुआ था। कमरे में रखे बॉक्स व अलमारी का ताला भी टूट चुका था। पूरा सामान बिखरा पड़ा था। हालांकि परिवार के लोग बाहर होने के चलते चोरी कितने की हुई इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है। सूचना पर कोरोना पुलिस जांच पड़ताल के लिए पहुंची थी। उधर इस घटना से गांव में सनसनी फैली हुई है। सूर्यामा के कस्तूरीपुर ईंट भट्टे के समीप एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में जहां एक की मौत हो गई, वहीं बाइक पर सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही शहर के जलालपुर निवासी अयूब अंसारी का नाती इनायत अंसारी बाइक से अपने पड़ोसी जैब अंसारी के साथ बाइक से सूर्यामा के पुरानी बाजार से वापस भदोही आ रहा था। कस्तूरीपुर ईंट भट्टे के समीप पहुंचा तभी एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी, जहां इनायत की मौत हो गई है। वहीं जैब अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है।
दो बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार कुल 3 लोग घायल हुए हैं। हादसा सूर्यामा इलाके के बिहियापुर ब्रह्म बाबा मंदिर के समीप का है। दुर्गागंज के हरिकरणपुर निवासी 22 वर्षीय सतीश गौतम व 26 वर्षीय अजय गौतम दोनों एक बाइक पर सवार होकर सूर्यामा से दुर्गागंज की तरफ जा रहे थे। बिहियापुर के ब्रह्म बाबा मंदिर के समीप पहुंचे तभी सामने से आ रही एक बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में सतीश गौतम अजय गौतम जहां घायल हो गए वहीं दूसरी बाइक पर सवार भी एक व्यक्ति घायल हुआ है। सभी घायलों को अलग अलग अस्पतालों में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। हादसे के बाद अफरा तफरी फैल गई थी। गोपीगंज के सोनखरी के समीप ऑटो व कार में हुई टक्कर में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि ऑटो चालक का इलाज अभी चल रहा है। मोड़डीह निवासी रामधनी की पत्नी हीरावती देवी एक ऑटो पर सवार होकर गोपीगंज से ज्ञानपुर की तरफ जा रही थी। ऑटो नागेंद्र यादव नामक चालक चला रहा था। सोनखरी के समीप कार व टेम्पो में टक्कर हो गई थी। हादसे में हीरावती व टेम्पो चालक नागेंद्र घायल हो गया था। इलाज के दौरान मोड़डी की रहने वाली हीरावती की मौत हादसे के कुछ घंटे बाद ही हो गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद महिला के घर पर कोहराम मचा है। परिवार के संग स्नान करते समय गंगा में समाई युवती दूसरे दिन भी नहीं मिली है। एनडीआरएफ व इलाकाई पुलिस गंगा में उतरकर युवती की तलाश में दूसरे दिन भी पसीना बहाते नजर आई। गंगा में काफी दूर तक टीम गंगा में समाई युवती की तलाश करती रही, लेकिन मायूसी हाथ लगी। आपको बता दें कि गोपीगंज कोतवाली इलाके के बर्जी गंगा घाट पर स्नान करते समय शिवभूषण उपाध्याय की 27 वर्षीय पुत्री क्षमा उपाध्याय पैर फिसलने के चलते शनिवार को गंगा में समा गई थी। रविवार को भी युवती बरामद नहीं हो सकी है। फिलहाल एनडीआरएफ व पुलिस गंगा में उतरकर तलाश करने में जुटी रही। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भगवास गांव में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में 4 लोग घायल हुए हैं। मारपीट का मामला रविवार की शाम का बताया गया है। भगवास गांव निवासी राम शिरोमणि उर्फ नन्हे यादव का पुत्र समर उर्फ करिया यादव ट्रैक्टर लेकर जा रहा था। ट्रैक्टर यज्ञ नारायण यादव के दीवार में सट गया। इसी बात को लेकर कहासुनी गाली गलौज के बाद मारपीट हो गई। मारपीट में एक पक्ष से यज्ञ नारायण यादव, बिंदु देवी, देवानंद व शिवानंद घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। रात के अंधेरे में आंगनबाड़ी पर मिलने वाले पुष्टाहार की कालाबाजारी हो रही थी। एक युवक ने बाइक सवार बिचौलियों को दबोचा तो कालाबाजारी करने वाले बिचौलिए युवक पर हमला कर भाग निकले। सूचना पर डायल 112 पुलिस पहुंची थी। मामला औराई ब्लॉक के चिंतामणिपुर गांव का है। गांव के विशाल पांडे नामक युवक ने बताया कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के घर से दो बाइक पर सवार 3 लोग तेल, दलिया, चना ले जा रहे थे। शक होने पर रोका तो बाइक सवारों ने उस पर हमला कर फरार हो गए। विशाल पांडे ने बताया कि बाइक पर लदे पुष्टाहार व नंबर की तस्वीर भी अपने मोबाइल में कैद किया है। कहा कि रात के अंधेरे में पुष्टाहार की कालाबाजारी की जा रही थी। हालांकि विशाल पांडे की सूचना पर डायल 112 पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। भदोही शहर के रामरायपुर ईसी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है। एक महिला को हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने दूसरा जीवन दिया है। सूर्यामा के भगवतीदासपुर निवासी अमृतलाल की पत्नी सुशीला बिंद की तबीयत खराब हुई। परिजन शहर के रामरायपुर ईसी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे, जहां महिला के पेट में ट्यूमर होने की बात सामने आई। अस्पताल के डॉक्टर गणेश यादव व डॉक्टर सुशीला यादव ने महिला के पेट से सफलतापूर्वक 5 किलो का ट्यूमर बाहर निकाला। महिला की जान बच गई। अब महिला पूरी तरह स्वस्थ है। कुत्ते को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। एक पक्ष ने जमकर ईंट, पत्थर, लाठी डंडे चलाए हैं। मारपीट में 6 लोग घायल हुए हैं। मामला औराई थाना इलाके के महाराजगंज के कंसापुर नहर के समीप का है। कंसापुर निवासी मुकेश कुमार ने औराई पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि उसके पास एक पालतू कुत्ता है।
कुत्ते के भौंकने पर गांव के ही मनी सोनकर, साहब सोनकर, छोटू सोनकर व विवेक सोनकर ने मकान पर हमला कर दिया। पथराव करते हुए मारा पीटा गया। मारपीट में मुकेश कुमार, मणिकांत, मारुति नंदन, वैसुड़ी व पड़ोसी मुन्नी सविता घायल हो गई। सभी घायलों का इलाज CSC औराई में कराया गया है। उधर मुकेश कुमार की तहरीर पर औराई पुलिस ने मारपीट करने वालों पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुरानी रंजिश को लेकर एक महिला को मारपीट कर घायल कर दिए जाने का मामला पुलिस तक पहुंचा था। यह मारपीट का मामला है मोड़ बाजार के कनकपुर का। रतिलाल यादव की 50 वर्षीय पत्नी मीना यादव ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वह पशु पंछियों के लिए एक पेड़ के नीचे बाल्टी में पानी रखे हुए थी। पड़ोस के लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर उसे मारा पीटा है, जिससे उसे चोटें आई हैं। घायल महिला का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। भदोही SP डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान ने जनपद वासियों सहित भदोही जिले के पत्रकारों को होली की बधाई दी है। होली की पूर्व संध्या पर ज्ञानपुर पुलिस लाइन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। होली मिलन समारोह में मीडिया कर्मियों को ही बुलाया गया था। होली मिलन समारोह में सत्यम न्यूज टीम के अलावा पत्रकार दिनेश पटेल, रोहित राज गुप्ता, जितेंद्र उपाध्याय, राजमणि पांडे, मनोज गुप्ता, निहाल अली, आदर्श पांडे, कपिल द्विवेदी, हरिनाथ यादव, दीपक मिश्रा जैसे मीडिया कर्मियों को अबीर गुलाल लगाकर व मिष्ठान खिलाकर SP ने होली की बधाई दी है। उधर अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह, भदोही CO अजय कुमार चौहान, CO UP सिंह, भुवनेश्वर पांडे, CO औराई अजय सिंह चावड़ा, CO ज्ञानपुर प्रभात राय ने SP को बुके भेंट कर होली की बधाई दी है। बच्चों के विवाद में दो पटीदारों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं। मामला चौरी थाना इलाके के जमुआ गांव का है। बच्चे के विवाद में जमकर हुई इस मारपीट में एक पक्ष से बसंती देवी व दूसरे पक्ष से अनुराधा देवी व शिव कुमार उपाध्याय घायल हो गए थे। घायलों का उपचार CSC भदोही में कराया गया है। मामला चौरी पुलिस तक पहुँचा था। गोपीगंज इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक कायम हो गया है। नगर पालिका परिषद गोपीगंज भी हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। ऐसे ही आवारा कुत्ते के हमले से एक मासूम बच्ची घायल हो गई है। मामला नगर के पूरे टीका का है। मोहम्मद ईमान की 4 वर्षीय मासूम बच्ची अल्फिया अपने घर के सामने खेल रही थी, तभी एक कुत्ते ने हमला कर दिया। हमले में अल्फिया घायल हो गई थी। परिजन उपचार के लिए CSC गोपीगंज लेकर पहुंचे थे। होली की पूरी संध्या पर ज्ञानपुर ब्लॉक के बैरी परवा गांव के शिव मंदिर पर शिव चर्चा का आयोजन किया गया था। भगवान शंकर के आंगन में भक्तों ने जमकर अबीर गुलाल उड़ाए। बैरी परवा गांव के श्रद्धालु भगवान शिव के साथ होली का पर्व मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष मंदिर पर जमा होते हैं और जमकर मंदिर पर अबीर गुलाल उड़ाए जाते हैं। शिव चर्चा के बाद होली खेली जाती है। शिव चर्चा में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक यह सिलसिला चलता रहता है। उसके बाद प्रसाद का वितरण किया जाता है। इस मौके पर विजय बहादुर बिंद, मूलचंद, रामलाल गौतम, मथुरा बिंद, अग्नु मौर्य, फूलचंद सहित काफी संख्या में शिव भक्त मौजूद रहे। 25,000 का इनामिया फरहर गौ तस्कर को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देवाजीतपुर मोड़ के एक बगीचे के समीप से फरहर गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। SP डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गिरफ्तार गौ तस्कर के पास से पुलिस ने 8 गौवंश बरामद किया था। पुलिस तस्कर की तलाश में जुटी हुई थी। SP ने तस्कर पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। गिरफ्तार इनामिया तस्कर प्रयागराज के हड़िया कागापुर का निवासी पंधारी बिंद बताया गया है, जिसे ज्ञानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चलते चलते एक बार फिर आप सभी को होली की ढेर सारी बधाई। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर सत्यम न्यूज टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताजा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।